नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं, जहां हम भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रमुख प्रदेशों को जानेंगे। तो चलिए इस अद्भुत सफर में शामिल हों। भारतीय सभ्यता का मूल आधार धर्म और संस्कृति पर आधारित है। भारत में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेश हैं, जो एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए हम इन प्रमुख प्रदेशों की यात्रा पर निकलें। पहला प्रदेश है वाराणसी, जिसे हम मुक्ति क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ नदी गंगा के किनारे स्थित सच्चे भारतीय धर्म और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। वाराणसी में कई प्राचीन मंदिर, घाट और संतान धर्म के गुरुकुल स्थापित हैं। दूसरा प्रदेश है मथुरा, जिसे श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। मथुरा में श्री कृष्ण जी के जन्म के स्थान पर एक अत्यधिक पवित्र मंदिर स्थित है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु भक्त आते हैं। यहां रंगों के साथ मनाए जाने वाले होली उत्सव का आयोजन भी होता है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। तीसरा प्रमुख प्रदेश है पंजाब, जहां सिख धर्म का महत्वाकांक्षी मंदिर स्थित है, हरमंदिर साहिब, जिसे सोने दी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर अपनी सुंदरता और अमन की भावना के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब की सिख संस्कृति, उनकी किसानी और उत्साहपूर्ण लोगों की भावना देश और विदेश से आए पर्यटकों को आकर्षित करती है। आखिरी प्रदेश है वैष्णो देवी, जहां माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर स्थित हैं। यहां हजारों श्रद्धालु माता की कृपा की कामना करने आते हैं, अपने मनोकामनाएं पूरी करने की आशा रखते हैं। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा भारतीय धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है, जो अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक महिमा के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रदेशों की यह यात्रा हमें हमारी धरोहर, विरासत और विविधता के प्रति गर्व महसूस कराती है। ये स्थान हमें अपने मानवीय और आध्यात्मिक संबंधों की महत्वता याद दिलाते हैं। हमें ये दिखाते हैं कि धर्म और संस्कृति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में शामिल होने के लिए। हमें आशा है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।